नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो क्लास के साथ, और आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कुरमाली भाषा के गुणिन यानी कि विशेषण के बारे में। दोस्तों, इस क्लास में हम सबसे पहले जानेंगे गुणिन की परिभाषा, उसके बाद उसके जितने भी प्रकार होते हैं उस पर बारी बारी से चर्चा करके उसको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं विशेषण यानी कि गुणिन की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, इसको सबसे पहले हम कुरमाली में इसकी परिभाषा देखते हैं, उसके बाद हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो परिभाषा है, जन साड़ाले दांजा किम्बा आईजी साड़ा को गुण बताल जाए, ओके, गुणिन कहल जाए। तो इसके कहने का मतलब क्या है, जिस शब्द से दांजा मतलब संज्ञा, आईजी मतलब सर्वनाम, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्द का गुण बताया जाता है उसको गुणिन कहा जाता है। मतलब जिस शब्द से हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण का पता चलता है उसको विशेषण या गुणिन कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं। गुणिन के चार खड़ाएँ बांटल गया है, मतलब इसको चार भागों में बांटा गया है, यानी कि चार प्रकार के होते हैं गुणिन। लेकिन इसको लेकर विभिन्न जो कुरमाली के विद्वान हैं उसमें थोड़ा मतभेद है, और किसी ने इसको चार प्रकार में बांटा है तो किसी में सात। तो इस तरह से कुछ अलग अलग पुस्तकों में इसकी अलग अलग व्याख्या की गई है। तो कौन सा सही है ये एक चर्चा का विषय है, लेकिन हम इस अभी जो चार प्रकार हैं विशेषण के उस पर चर्चा करते हैं। तो जो पहला प्रकार है वो है गुणवाचिक गुणिन। गुणवाचिक गुणिन को हिंदी में क्या कहा जाता है, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जॉन साड़ाले आंगा किम्बा आईजी सड़ाक और गुण किम्बा दोष कर वाचिक पवाए, मतलब जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्द का गुण या दोष का पहचान मिलता है उसको गुणवाचिक गुणिन या गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसन चारका, चारका क्या है, मतलब सफ़ेद रंग को चारका कहा जाता है। तो इससे हमें किसी वस्तु का रंग का पता चलता है, उसका एक गुण है। उसी तरह रेंगिया एक कलर है, पुरना मतलब पुराना हो जाता है उसको। उसी तरह है लोभी कौढ़ी आरो इटा सेटा। तो इन शब्दों से हमें क्या पता चलता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता का पता चलता है हमको। जितने भी हमने एग्जाम्पल लिया इनसे हमें क्या पता चलता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता का पता चलता है। तो इसको गुणवाचिक गुणिन कहा जाता है। दोस्तों, इसका अगला जो प्रकार है गणानवाचिक गुणिन। गणान, यहाँ पर देखिए गणान जो शब्द है, गणान का मतलब क्या होता है, गिनना, मतलब ये संख्या से रिलेटेड है, जिसमें गिनती की होती है तो उसको गणानवाचिक गुणिन कहा जाता है। तो इसको हिंदी में संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या है, तो जॉन साड़ाले कोनो जॉन किम्बा जीनिस और गणान है वे एक वाचिक पवाई को के गुणान वाचिक आईजी कहल जाए। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गिनती होने का बोध मिलता है उसी को गुणानवाचिक विशेषण कहा जाता है, गुणानवाचिक गुणिन कहा जाता है। मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति के गिनती का हमें पता चलता है वैसे शब्द को गुणानवाचिक विशेषण कहते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसन चार आना, यहाँ पर जो चार वर्ड है, चार से हमें क्या पता चलता है, एक गिनती है और आना मतलब उसको पहले पैसों की गिनती ऐसे किया जाता था, तो इससे हमें एक पैसे की अमाउंट का पता चलता है। उसी तरह एक बित्ता एक नाप है, तो यहाँ पर गिनती का यूज हुआ है। उसी तरह एक मौन धान कुड़ी टका, कुड़ी का मतलब क्या होता है, 20 आरो इटा सेटा। तो दोस्तों, गणानवाचक के बारे में आपको स्पष्ट हो गया होगा कि गणानवाचक विशेषण में क्या होता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की गिनती का पता चलता है। इसके बाद थर्ड नंबर में है तौलवाचिक गुणिन। तौलवाचिक, तौल का कहने का तात्पर्य ये क्या है, जो तौलने वाली वस्तुएं जिसकी गिनती नहीं होती है, जिसको या तो तौला जाता है या किसी बर्तन में उसको नापा जाता है, तो ऐसे चीज़ों को क्या कहा जाता है, तौलवाचिक गुणिन, जिसको हिंदी में परिमाणवाचिक विशेषण कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं, जॉन साड़ाले नाप जोक किम्बा मात्रा कर वाचिक पवाई,
नाप जोक किंबा मात्रा कर बाचिक पवाई ओके तौल बाचिक गुणन कहल जाए। जैसन दोस्तों इसका कहने का मतलब क्या है, जिस शब्द से नाप जोक, नाप जोक या जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें वैसी चीज़ों का बोध होता है जिसको गिना गिना नहीं जाता है, जिसको वजन के द्वारा या उसका कुछ वर्तन के द्वारा उसको नापा जाता है। जैसे हम दूध को नापते हैं 1 लीटर है, उसी तरह जैसे दाल चावल और जितने भी चीज़ें हैं जिसको गिनना आसान नहीं है, वैसे चीज़ों को जिससे नापा जाता है उसको तलवाचिक गुणन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं शेर, दोस्तों शेर से क्या होता है, पहले किसी वस्तु को नापने का काम आता था, उसी तरह कोयला, बीता, लॉट, बेजाइन, तो इन चीज़ों से हमें क्या पता चलता है, इससे हमें किसी चीज़ की गिनती का स्पष्ट रूप से हमें पता नहीं चलता है, बल्कि एक अमाउंट है जिसको अंदाजा लगाया जाता है या किसी बर्तन के माध्यम से नापा जाता है, तो इसी चीज़ों को तलवाचिक गुणन कहा जाता है। इसके बाद अगला है जो चौथा नंबर का, आईजीवाचिक गुणन, आईजीवाचिक गुणन, इसको हिंदी में सर्वनामवाचक विशेषण कहा जाता है, सर्वनामवाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा क्या है, जखन आईजिक और व्यवहार गुणन कर रूपे है, जखन आईजिक और व्यवहार गुणन कर रूपे है, आईजीवाचिक गुणन कहाए, मतलब जब सर्वनाम का प्रयोग एक विशेषण के तौर पर होता है, जब सर्वनाम का प्रयोग एक विशेषण के तौर पर होता है तो उसको आईजीवाचिक गुणन कहा जाता है। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे ई ओय ओहे कौन जें, दोस्तों यदि इस तरह के वर्ड रहें एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन रहे और इस तरह के शब्दों का पूछा जाए कि इस किस टाइप का आईजी है, तो आपको क्या लगाना है, आईजीवाचिक, आईजीवाचिक विशेषण, तो इस चीज़ को याद रखना है। एग्जाम्पल ई ओय ओहे कौन जें, तो ऐसे शब्द जो रहेंगे वो क्या हैं, आईजीवाचिक गुणन, तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का क्लास, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगले क्लास में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक पर चर्चा के लिए, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ द की पॉइंट्स में बने रहिए। धन्यवाद।